नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखो कल ही आपकी लास्ट डेट है कालीबाई बिल मेगावी योजना को लेकर। अब आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, देखो यहाँ पर जितनी भी छात्राएं हैं, ठीक है, क्योंकि छात्राएं यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। पूरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, आपको कितनी स्कूटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जो स्कूटी प्रोवाइड की जाती है वो किस प्रकार की जाती है, किस कंपनी की आपको स्कूटी प्रोवाइड की जाती है, जो सेंट्रल के जो स्टूडेंट है उनकी कितनी मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर अप्लाई करने के लिए होनी चाहिए, और जो अपने स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट है उनके लिए कितनी एक तरीके से परसेंटेज यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए जिससे कि वो अप्लाई कर सकते हैं। और आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो लास्ट डेट रहने वाली है आपकी कालीबाई बिल मेगावी योजना को लेकर, वो आपकी कल ही यानी कि 16 अगस्त ही आपकी लास्ट डेट रहेगी। ये डेट आगे आपकी बढ़ भी सकती है, ठीक है। अब इस रिलेटेड मैं आप सभी छात्रों को क्लियर कर देता हूं, अभी तक भी किसी ने नहीं भराया तो आपको किस प्रकार से भरना है वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। अब उससे पहले आप सभी ये चीज जान लीजिए, देखो आप में से काफी छात्राएं ऐसी है जिनको ये चीज नहीं पता कि कालीबाई कौन थी। आपको पता तो होना चाहिए ना कि कालीबाई कौन थी, किस वजह से आपको यहाँ पर स्कूटी वगैरह जो भी है वो दी जाती है, ठीक है, किस कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पर ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब फर्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ, देखो कालीबाई एक तरीके से डूंगरपुर की जो रास्तापाल गांव है वहां की रहने वाली एक लड़की थी, एक छोटी लड़की थी, ठीक है। वो वहां की एक पाठशाला थी, पाठशाला में वो पढ़ाई करती थी। पढ़ाई करने के साथ में ही वहां पर क्या था, कुछ विद्रोह वगैरह हो गया था। विद्रोह होने की वजह से वहां पर कुछ पुलिस बल के द्वारा वहां पर कुछ एक दो गाड़ियों के वगैरह उसकी पाठशाला में पहुंचा गया, और जिस टाइम में वहां पर जो पुलिस वाले हैं उसकी पाठशाला में पहुंचे थे उस टाइम कालीबाई वहां पर उपस्थित नहीं थी, वो किसी कारणवश से अपने घर चली गई थी, कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है। अब वहां पर दो टीचर थे, नानाबाई और सेगाबाई, ठीक है। अब क्या है, देखो जब भी वहां पर पुलिस वाले पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर आगे से आदेश आए हुए थे कि इस पाठशाला को बंद कर देना चाहिए, और वहां पर जो नानाबाई और सेगाबाई दो ऐसे अध्यापक थे जो एक तरीके से इस चीज को प्रोत्साहन करते थे पढ़ाई को लेकर कि छात्रों को पढ़ाई एक करना अनिवार्य है। अब वहां पर जब पुलिस वालों के द्वारा कहा गया कि आप इस पाठशाला को बंद कर दीजिए, तो वहां पर जो नाना भाई है उन्होंने थोड़ी ज्यादा बोल दिया होगा या तो उनके सामने, तो वो उनको एक तरीके से खास नहीं आई और उन्होंने वहीं पर उसकी पिटाई कर दी, यानी कि जो नाना भाई है उनकी वहीं पर पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद में थोड़ी देर बाद में जो सेगा भाई है वो भी उसी मतलब कि पुलिस वालों के विरुद्ध में ही बोलने लग गए, तो उन्होंने क्या किया, नाना भाई को तो वहां पर मतलब कि एक तरीके से पीट कर या मारकर वहां पर पटक दिया, और सेगा भाई है उनको अपनी जीप के पीछे बांधकर लटकाते यानी कि घसीटते हुए अपने जीप के पीछे ले जा रहे थे, और ले जाते हुए जो कालीबाई है वो अपने खेतों में काम कर रही थी, तब उसकी नजर अपने गुरु के ऊपर पड़ी और पड़ते ही वो वहां से भागी, जीप के पीछे भागी, और भागते हुए उसके हाथ में एक वो थी जिसको अपन दांतरी या दांतरी बोल सकते हो, जिससे अपन सरसों वगैरह या बाजरे वगैरह की कटाई करते हैं, तो उसने वो रस्सी है वहीं से काट दी। काटने के बाद में पुलिस वालों को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आकर उसके ऊपर गोली चला दी, तो उसी वजह से वहां पर आप सभी छात्राओं को यहाँ पर कालीबाई बिल मेगावी योजना का एक तरीके से प्रोत्साहन दिया जाता है। अब यहाँ पर कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी छात्राओं को मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के स्टूडेंट है, साथ में अनुसूचित जनजाति यानी ST और ST के जो स्टूडेंट है, और साथ में जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग की छात्राएं हैं उन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ये भी क्लियर करूंगा कि कौन जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर स्कूटी के लिए अप्लाई कर सकती है, कौन मतलब कि किन छात्राओं को यहाँ पर जो पैसे हैं यानी कि स्कूटी के बदले में जो पैसे हैं 40,000 रुपए वो दिए जाते हैं, वो चलिए मैं क्लियर कर देता हूं। अभी देखो यहाँ पर जो मिनिमम परसेंटेज है, देखो RBSC के जो स्टूडेंट है छात्राएं हैं उनके लिए 65% होनी चाहिए। अगर आप इस पर अप्लाई करते हो, आप SSO ID से इस पर अप्लाई कर सकते हो, और जो सेंट्रल बोर्ड के जो स्टूडेंट है CBSE के उनके लिए मिनिमम परसेंटेज 75% आपकी होनी चाहिए। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको क्या क्या चाहिए होगा, देखो आपको आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास में, आपके पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी कि आपका मूल निवास हो गया, क्योंकि आप अगर रास्ता के मूल निवासी हो तो ही यहां पर इस एक तरीके से योजना या स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बैंक की पासबुक होनी चाहिए, आपकी स्वयं की पासबुक होनी चाहिए, आपका स्वयं का बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका जन्म प्रमाण पत्र यानी कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, मूल निवास आपके पास में होना चाहिए, साथ ही में जिस भी कैटेगरी का, अभी जैसे आप 12th पास कर लिए, 12th पास करने के बाद में आप जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट ईयर की जो फीस सबमिट करवाते हो तो उसकी रिसिप्ट आपके पास में होनी चाहिए। यहाँ पर वो स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते जो किसी कारण
वर्ष से गैप ले लेते हैं, जैसे कि 12वीं किया, 12वीं के बाद में 2 साल ब्रेक करके फिर फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो मैं चीजें बोल रहा हूँ उनको गौर करके सुनना, बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप सभी छात्राओं को नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपका जैसे पहले आपको पता था भामाशाह कार्ड चलता था, लेकिन अब जन्म आधार कार्ड से आपका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है SSO ID का वो आपका होने वाला है, ठीक है। परसेंटेज का मैंने क्लियर कर दिया, लास्ट ईयर 2022 में यहाँ पर 90% आपकी हाई कट ऑफ गई थी, क्योंकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उनकी एक तरीके से कट ऑफ की लिस्ट आती है, तो 90% तक गई थी। इस बार अंदेशा लगाया जा रहा है कि 85% तक आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी रह सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर जो किस किस कंपनी की जो स्कूटी वगैरह आपको प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 स्कूटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी छात्राएं, जितनी भी छात्राएं हैं यहाँ पर, आप सभी को 10,000 स्कूटी प्रोवाइड की जाएगी। 600 जो स्कूटी है वो किस किस कैटेगरी वगैरह के लिए रहने वाली है वो मैं क्लियर करूंगा थोड़ा पैसेंस रख के। यहाँ पर जो आपको स्कूटी प्रोवाइड की जाएगी वो जैसे कंपनी जो हो गई, जैसे TVS हो गई या होंडा की हो गई या एक्टिवा होगी, तो ये अच्छी अच्छी कंपनीज की आपको जो स्कूटी वगैरह है वो प्रोवाइड की जाती है, और इलेक्ट्रिक वो जो मतलब की स्कूटी है वो प्रोवाइड की जाती है, जिसकी एक तरीके से मैं आपको एप्रोक्स या एवरेज बताऊं तो वो 5 या 6 साल जो उनकी बैटरी है वो आराम से चल जाती है, बाद में आपको बदलाना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो एक तरीके से स्कीम चलाई गई है वो ऐसी छात्राओं के लिए चलाई गई है जो कि कैपेबल नहीं है पढ़ाई के लिए, कैपेबल नहीं है ना ही वो जैसे दूर ज्यादा पढ़ाई कर पाती है, क्योंकि 12th तक तो अगर उनके आसपास कोई गवर्नमेंट कॉलेज रहती है तो उसमें वो कर लेती है, लेकिन जब वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या मतलब कि आगे जो भी अपनी PG UG करने जाती है तो उनको दिक्कत आती है, क्योंकि कम से कम 10-15-20 किलोमीटर गाँव में मैंने देखा है, मैं खुद भी गाँव से बिलोंग करता हूँ, 10-15 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट कॉलेज रहती है तो उनमें जाने के लिए उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पर परिवार भी नहीं रहते हैं, क्योंकि गाँव में काफी जगह नहीं होता, इस वजह से स्कूटी वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। साथ ही में 12th के जो सभी वर्ग की छात्राएं हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, अनुसूचित जाति यानी SC की स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी कि EBSC की जो 12th की पास छात्राएं हैं वो अप्लाई कर सकती है, अल्पसंख्यक वर्ग की 12वीं की उत्तीर्ण छात्राएं यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, ST की 10वीं उत्तीर्ण छात्राएं भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, साथ में जो घुमंतु यानी विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु यहाँ पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आधार पर वो अप्लाई कर सकती है। यानी जो आप सभी छात्राओं को यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो कमजोर एक तरीके से कैटेगरी से जो बिलोंग करती है, आर्थिक जो कमजोर वर्ग है उससे बिलोंग करती है, तो उनको स्कूटी के आधार पर मतलब कि उस स्कूटी की जगह पर आपको 40,000 रुपए वो आपको दे दिए जाएंगे, तो इनमें थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट आपको मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पर 600 छात्राओं के लगभग एक तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है, और यहाँ पर आर्ट की 55% छात्राओं को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, साइंस की 40% छात्राओं को, क्योंकि आर्ट में जो संख्या रहती है छात्राओं की वो काफी ज्यादा रहती है, जो कॉमर्स की जो छात्राएं हैं उनको 5% यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। निजी स्कूलों की 25% छात्राओं को यहाँ पर स्कूटी के लिए एक तरीके से स्कूटी प्रदान की जाती है, और जो गवर्नमेंट कॉलेज से बिलोंग करती है उनको 75% जो छात्राएं हैं उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। 10,000 से ज्यादा यहाँ पर आपको एक तरीके से स्कूटी वगैरह वितरण किया जाता है, और बाकी तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। आपके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, अगर 2.5 लाख से ज्यादा आपकी वार्षिक आय है तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, यानी कि आप फॉर्म वगैरह अप्लाई नहीं कर पाओगे। जब आपका आपका इनकम सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें जो 2 गजेटेड ऑफिसर रहते हैं उनके सिग्नेचर वगैरह भी होते हैं, जब वो देखते हैं आपके परिवार की वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से ऊपर है तो वो साइन वगैरह भी नहीं करते, क्योंकि थोड़ा बहुत तो फॉर्मेलिटीज के लिए जो फॉर्म वगैरह है वो पढ़ते हैं। ई मित्र से आपको आय प्रमाण पत्र का फॉर्म मिल जाएगा, वहां पर आप सिग्नेचर वगैरह करवा के अपने सरपंच वगैरह हो गया या आपका जो ग्राम सेवक हो गया आपके गाँव निवासी में जो भी है उनके करवा लेना, वो बाकी चीजें आपको जो ई मित्र वाला है वो बता देगा। लास्ट डेट आपकी कल ही रहने वाली है, ठीक है, 16 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहेगी, क्योंकि इसमें जो विधवा है और साथ में जो विवाहित है अविवाहित है सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, ठीक है। विधवा विवाहित भी है अविवाहित भी है सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, सभी को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। बाकी जितनी चीजें हैं वो मैंने क्लियर कर दिया है, साथ में कुछ स्क्रीनशॉट भी मैंने लगा दिया है आप सभी छात्रों के लिए। SSO ID पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हो, खुद से फॉर्म नहीं भरता है तो आप ई मित्र पर जाकर वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना और वहां से आपका फॉर्म है वो भर जाएगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जल्दी आपको और भी अपडेट कर दूंगा। कुछ इससे रिलेटेड कोई कमेंट हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।